सो हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हम इकोनॉमी के तीसरे लेक्चर में हैं और जहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे राष्ट्रीय आय और उसकी मापन विधि। इससे पहले हम जो राष्ट्रीय आय वाला लेक्चर थे उसमें राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसके अलावा जीडीपी जीएनपी के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके थे, एनडीपी एनएनपी को लेकर भी। राष्ट्रीय आय का जो लेक्चर है लगभग तीन पार्ट में जाने वाला है, एक पार्ट और मुझे बनाना रहेगा यहाँ पर। और अभी तक आपको जीडीपी जीएनपी एनडीपी और एनएनपी के बारे में अच्छे समझ हो गई होगी। अगर वो समझ होगी तो आज का लेक्चर अच्छे से काम करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आ रहे हैं तो बहुत सारी समस्या आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे इसकी मापन विधियाँ, लेकिन उससे पहले हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, और सबसे पहले हम कुछ जो रिवीजन है वो कर लेते हैं। यानी कि आपको जीडीपी जीएनपी एनडीपी और एनएनपी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि आपको अभी भी याद है या नहीं, या अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी में आपको वो बात तो जरूर याद होगी कि बात है घरेलू सीमा की, यानी कि देश के भीतर अगर कोई विदेशी भी काम कर रहा है तो उसकी आय को जोड़ लेंगे, और अगर भारत से बाहर कोई भारतीय भी काम कर रहा है तो उसकी आय को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसके बारे में डिटेल हमने पिछले लेक्चर में जाना था। उसके बाद जीएनपी क्या है? तो अगर आपको जीडीपी समझ में आता है तो जीएनपी भी आसानी समझ में आ जाएगा। तो जीएनपी बराबर क्या? जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को हम क्या करेंगे, घटा देते हैं उसमें से, और विदेश में अगर जो भारतीय कमा रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद आती है एनडीपी और एनएनपी की। तो एनडीपी में बात आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद या सकल या एक तरीके से निवल घरेलू उत्पाद भी इसे हम कह सकते हैं। तो जब शुद्ध या नेट की बात आती है तो हम क्या करेंगे, जो भी उसमें से मूल्यह्रास घटा लेंगे। ऐसा एनएनपी के साथ में भी होता है। एनएनपी बराबर क्या करेंगे, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो जो एनडीपी का कनेक्शन जीडीपी से है और एनएनपी का कनेक्शन जीएनपी से, तो एक हमारा क्विक रिविजन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ जहां पर हम देखेंगे कि हमें आज क्या क्या पढ़ना। बहुत सारों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर एक्चुअल में ये जो आप पढ़ा रहे हैं है ना, जीडीपी आपने हमें पढ़ाया है, उसके बाद में जीएनपी एनडीपी जो भी पढ़ाया है, इन चारों में से राष्ट्रीय आय है कौन सी? कुछ का डाउट भी था कि सर वास्तविक राष्ट्रीय आय कौन सी कहेंगे हम, जीडीपी को कहें जीएनपी को कहें एनडीपी या एनएनपी किसे कहें। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो किसे कहा जाता है, एनएनपी को कहा जाता है, किसे, एनएनपी को। अब मैंने आपके सामने सिर्फ एनएनपी नहीं लिखा है, मैंने कुछ और भी बातें लिखी है, और यहाँ पर कुछ बातें दिखाई दे रही है आपको, एफसी और फिर यहाँ पर एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और ये सब्सिडी। तो सर जब कुल मिला के एनएनपी है तो ये अप्रत्यक्ष कर को घटाना सब्सिडी को जोड़ना ये सारा यहाँ पर तामझाम ऐसा क्यों? तो जब फाइनली अगर आप राष्ट्रीय आय की तरफ जाएंगे तो ये हमें यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, और इस फॉर्मूले में ये एमपी एफसी अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी ये चार सेगमेंट क्या है, इसे हम अच्छे तरीके समझेंगे और फाइनली फिर लौटेंगे सूत्र की तरफ। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले वो देख लेते हैं। तो साधन लागत यानी कि जो एफसी है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको, और देन इसके अलावा नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, बाजार मूल्य इसको हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा तीसरा क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां उसको पढ़ने वाले। तो यहाँ पर कुल तीन पार्ट रहेंगे और ये दोनों तो जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा हमारा जाएगा अलग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और जानते हैं एफसी और एमपी क्या होता है ना। यहाँ पर एफसी और एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट और एफसी, ये नाम आप याद रखिए तीनों नाम, और इन शॉर्ट इसे एफसी और इन शॉर्ट इसे एमपी कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री, ठीक है, कोई कंपनी है जो किसी कार का क्या करती है, उत्पादन करती है, और फाइनल उसकी कार बन कर कंप्लीट होकर उस फैक्ट्री के गोडाउन में जाती है, तब तक उस पर कितना खर्च आ जाता है, 8 लाख रुपए। मैं इसके सूखे खर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें
कुछ लाभ प्रॉफिट या श्रमिकों की मजदूरी कुछ भी नहीं। इसमें जितना भी जो भी लगे हैं यहाँ पर, टायर हो गया, स्टेरिंग हो गया, नट बोल्ट हो गए, जो भी पैसा लगा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बनकर तैयार हुई कितने में? 8 लाख रुपए। आप ही सोचिए, क्या वो मालिक बेचने जाएगा किसी शोरूम का, क्योंकि कार बिकेगी इसके थ्रू, शोरूम के थ्रू बिकेगी, शोरूम वाला इसको खरीदेगा, तो क्या ये कंपनी वाला उसे 8 लाख रुपए में ही दे देगा? मतलब जितने बनी है उतने में देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वह इसमें से अपना खर्चा भी निकालना चाहेगा, इसके अलावा मजदूरों का वेतन भत्ता, बहुत सारी जो चीजें हैं वो जरूर देखना चाहेगा, अपना प्रॉफिट देखना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, शोरूम वाले को कितने बेचेगा? 10 लाख रुपए में। ये 2 लाख रुपए जो बीच में उसने लिए हैं, ये क्या लिए हैं? उसने अपनी लागत का पैसा, किसी का दिमाग लगा होगा, किसी इंजीनियरिंग लगी होगी, बहुत सारी चीजें, किसका आइडिया। तो ये क्या कहलाता है आपका? फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, या इसे लागत मूल्य भी कहते हैं। दो चीजें क्या कहते हैं? साधन लागत या लागत मूल्य भी से कहा जाता है। ये नॉर्मल सी, तो आप इस बात को समझिए कि क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीच में 2 लाख रुपए जो उसने लिए हैं, ये इसकी खुद का क्या है? लागत मूल्य। तो आपको यहाँ पर साधन लागत या लागत मूल्य समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मल सी बात है। अगर कोई कंपनी 10,000 का मोबाइल बना रही है, तो क्या फाइनल 10,000 का होता है? नहीं, उसकी एक्चुअल रेट तो 5,000 होती है। जब तक आप तक पहुंचता है वो, तब तक उसकी 10,000 रेट हो जाती है, यानी कि बीच में उसमें कुछ पैसा क्या लगा होता है? साधन लागत लगा होता है। अब बाजार मूल्य क्या है ये समझते हैं। साधन लागत यानी कि बिकने के लिए जा रही वहां तक है। अब इस चीज को समझिए, नेक्स्ट पॉइंट, जिस शोरूम वाले ने खरीदी है, क्या शोरूम वाला इसको 10 लाख रुपए में खरीदेगा और 10 लाख रुपए में बेच देगा? बिल्कुल नहीं। उसने भी तो अपना शोरूम खड़ा किया, सब कुछ है, क्या ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। अब शोरूम वाला जो इसे 10 लाख रुपए में लिया है, इसे कितने में बेचेगा? वो 12 लाख रुपए में। कितने में बेचेगा? 12 लाख रुपए। बीच में जो 2 लाख रुपए होता है, इस 2 लाख रुपए में क्या चीज ऐड हो जाती है? वो होता है टैक्स, है ना? क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि सरकार हमेशा क्या करती है, हर चीज पर टैक्स लगाती है, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जब यहां से चीज फाइनल, है ना, मतलब अंतिम रूप से उस ग्राहक के पास बिकने जा रही है, तो फाइनली जितना भी टैक्स होता है वो ग्राहक पे करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी टैक्स होता है, फाइनली जो भी ग्राहक होता है, अंतिम उपभोक्ता होता है, उसकी जेब पर पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो 2 लाख रुपए लगे या इसमें जो भी टैक्सेस लगा वो आया है, उसी की वजह से ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार में बिकने हेतु योग्य हो गई है, ये मार्केट प्राइस है। आपने सुना होगा ना कि खुदरा मूल्य लिखा होता है, तो वैसा ही होता है। ये क्या है? इसका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तब बनता है जब इसमें क्या जुड़ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बात समझ में आपको। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें, फैक्टर कॉस्ट जो बनती है वो क्या बनती है? उसकी उसमें साधन लागत का पैसा लगा होता है। तो यहां पर अब आपको FC और एक चीज है MP, ये दोनों से आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। जब ये दोनों अच्छे समझ में आएगा, तो आगे चलकर धीरे धीरे फंडे आपके क्या होते जाएंगे? क्लियर होते जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि FC क्या है और MP क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक जो ये आपके सामने है टेबल, इसमें कुछ बात लिखी हुई, पहले उसको पढ़ते हैं और फिर इसको भी समझने की कोशिश करते हैं ना। आप जो FC MP पढ़ रहे हैं, और बहुत सारा पढ़ना रहेगा जहाँ तक लास्ट राष्ट्रीय आय एक्चुअल में किसी, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें समझना, तो पहले समझेंगे, आखिरी में आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं इतना क्यों समझा रहा हूं। तो यहां पर ये इसको पढ़ दें, साधन लागत वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी क्या है? लागत मूल्य होती है। सरकार द्वारा लागत मूल्य पर या तो सब्सिडी दी जाती है या इस पे कर लगाया जाता है। यदि कर लगाया जाता है तो बाजार मूल्य क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि MP। और यदि सब्सिडी दी जाती तो बाजार मूल्य क्या होगा? घट जाएगा। अब अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, FC, MP और टैक्स, ना, इनडायरेक्ट टैक्स। FC से MP तक आया है, तो बीच में क्या लगा? टैक्स लगा, तो इसका मूल्य क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन एक चीज बीच में अचानक से आती कि जब सब्सिडी दी जाती तो मूल्य क्या होगा? घट जाता है। तब आपको एक और चौथी चीज समझनी, वो क्या है? सब्सिडी। ये समझना रहेगा, तब जाके चारों चीज क्लियर होगी और आगे का फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब पहले हम समझ लेते हैं सब्सिडी। बहुत सारों ने सुना भी है सब्सिडी के बारे में, और अक्सर हम इसे ज्यादातर सुनते हैं वो गैस सिलेंडर या यूरिया पे सुनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सब्सिडी क्या होती है, क्यों दी जाती है।
एक बात समझिए आप कि जो यूरिया खाद होता है, जो कृषक वर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि साल भर में जो होता है सरकार द्वारा क्या होता है, यूरिया खाद दिया जाता है, ठीक है, जो ग्रामीण बैंक को मिलता है। लेकिन यूरिया खाद जो होता है उसका एक्चुअल प्राइस कितना होता है, 900 रुपये। कितना होता है एक्चुअल प्राइस, 900 रुपये। लेकिन क्या वास्तव में किसान 900 रुपये देता है? बिल्कुल नहीं देता। उसको 70% सब्सिडी मिलती है और उसे कितने देने पड़ते हैं, सिर्फ 270 रुपये। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 630 रुपये सरकार ने खुद की जेब से दिए। ये जो 900 रुपये हैं ये क्या था, एमपी था, मार्केट प्राइस था। अगर आप इसे बिना सब्सिडी के खरीदने जाएंगे तो आपको 900 रुपये पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन ग्राम में जो बैंक लगती है इसकी स्पेशल इसके लिए, उससे खरीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 630 रुपये की सब्सिडी। अब दिमाग में आता है कि सब्सिडी होती क्या है, तो सिंपल सी बात होगी, सब्सिडी एक छूट होती है जो सरकार द्वारा दी जाती है। ये कैश में भी मिल सकती है या जो आपको कीमत है उसमें पहले से ही घटी हुई आती है। दो तरीके से आपको क्या मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है। अब सब्सिडी दी क्यों जाती है ना, एक आई है बात तो समझ ही लेते हैं। सब्सिडी इसलिए दी जाती है, आप ही सोचिए कि क्या एक किसान 900 रुपये एक जो खाद उर्वरक का जो पूरी बोरी है वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। भारत में जो किसान होते हैं उनकी स्थिति जब बुवाई का टाइम होता है इतनी अच्छी नहीं होती है और वो कर्ज में ना फंसे, इसलिए सरकार उन्हें छूट देकर क्या करती, सस्ते दामों में क्या करती, बेच देती। ये दाम घटते बढ़ते रहते हैं, मैं आपको उदाहरण के तहत समझा रहा हूँ। कुल मिला के सब्सिडी सरकार द्वारा उन सेक्टर में दी जाती है जिनकी उन्नति अति आवश्यक हो और जिससे देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल समझाया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपने टिकट लिया है 45 रुपये का ट्रेन में, तो एक्चुअल कीमत उसकी कितनी होती है, 100 रुपये होती है, और आपको सरकार क्या करती है, 55 रुपये की छूट देती है। क्या करती सरकार, 55 रुपये। क्योंकि आप ही सोचिए, ट्रेन एक्चुअल में एक निम्न या मध्यम वर्ग के लिए बना है जो अगर वास्तविकता में जाएंगे और जो किराया होता है वो एफर्ड नहीं कर पाता, सरकार उस आम जनता के ध्यान के लिए क्या करती है, सब्सिडी देती है। और यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं है, उद्योगों में भी सब्सिडी दी जाती है। बहुत सारी बार क्या होता है कि जो उद्योग होते हैं सरकार को लगता है कि इंडिया के उद्योग डेवलप होने चाहिए, है ना, इंडिया का निर्यात होना चाहिए, सरकार क्या करती है उसे छूट दे देती, सब्सिडी दे देती है बहुत सारे मामलों में, ताकि उनका कम पैसा लगे और वो अपना ग्रो अच्छे से कर पाए। तो आपको यहाँ पर सब्सिडी समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के चार चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चार चीजें कौन सी है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे काम आने वाली। एक तो FC यानी कि साधन लागत, दूसरा MP यानी कि मार्केट प्राइस, तीसरा टैक्स और चौथा सब्सिडी। ये आपको अगर अच्छे से चारों समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं जाऊंगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। मैं एक बार इन शॉर्ट समझा देता हूँ। FC क्या होता है, कुल लागत मूल्य जो बनने में पैसा लगता है। अगर इस FC मार्केट में बिकने के लिए जाती है तो इस पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। टैक्स तो आपको पता है, ये टैक्स इस पे एड होता है तो वो क्या बन जाता है, MP बन जाता है। और बहुत सी बार क्या करती सरकार, इसी पर छूट देती। मतलब दो फैक्टर तो क्या है, FC और MP ही है, इसी में सब घटता बढ़ता रहता है, टैक्स जुट जाएगा और सब्सिडी घट जाती है, ये चीज होती है। आगे बात आपको समझ में। अब मैं बढ़ता हूँ आगे और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपके सामने, इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं डरना है। और अगर आपको लगता है कि सर इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपके सिलेबस के वहां पर दूसरी लाइन साफ लिखी हुई, और ये बात याद रखिए इकलौती लाइन लिखी हुई है, वहां पर लिखा है राष्ट्रीय आय की गणना। तो यकीन मान के चलिए कि अगर सिंगल लाइन में लिखा हो सिलेबस में तो कंफर्म है कि यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन 100% बनेंगे। और फिर इसीलिए मैं आपको राष्ट्रीय आय इतनी डीप में पढ़ा रहा हूँ, बाकी इकोनॉमी के एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए भी आपको ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पर जो है इनको एक एक करके समझते हैं बड़े ही इत्मीनान से। आपको चारों चीजें क्लियर है, अब समझिए MP का एक फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, इस चीज को समझिए। यानी कि बाजार में जो अगर वस्तु बिकने आई है वो कुल मिला के किसका जोड़ और घटा होगा, तो देखिए MP बराबर क्या होता है, FC, ठीक है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो लागत मूल्य थी, है ना, आपने कार वाला एग्जांपल देखा, कुल मिला के वो 10 लाख का था, है ना, 10 लाख जो कुल मिला के उसकी लागत थी, बिकी कितने में, 12 लाख रुपए। मतलब 10 से 2 हुआ तो यहाँ पर 2 लाख तो उसने साधन लागत लिया, 2 लाख रुपए टैक्स। तो जो बाजार मूल्य होता है वो हमेशा किससे होता है, साधन लागत से ज्यादा होता है। तो ये बराबर का चिन्ह काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब कुल मिला के आपका ये जो लागत मूल्य होता है, अगर इसमें टैक्स ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टैक्स ऐड कर दिया जाए, तो किसके बराबर हो जाएगा, मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए। लेकिन फिर भी
अगर सरकार अपनी तरफ से उस चीज उस उद्योग को बढ़ावा देना चाहे तो वो क्या करेगी, सब्सिडी देगी। जब सब्सिडी इस पर देगी तो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यही यहाँ पर बताया है कि जो एमपी होता है मार्केट प्राइस वह एफसी के बराबर होता है, लेकिन कब, जब इस एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार अगर उसमें सब्सिडी दे रही तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। घटाने से मतलब क्या है, जो छूट है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको घटा देंगे। मान लेते हैं कुल मिला के यहाँ पर उसकी जो एफसी थी वो कितने की थी, 100 रुपए की थी, ठीक है, 20 रुपए उस पर क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। लेकिन सरकार ने चाहा कि इसकी थोड़ी सी बिक्री कम हो, ज्यादा हो और इसका पैसा कम हो, उसने क्या कर दिया, 10 रुपए की सब्सिडी दे दी। तो एक्चुअल में आप कुल मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 120 के बजाय 110 रुपए, क्या बनेगा, 110 रुपए। और यही 110 रुपए क्या है, आपका मार्केट प्राइस। थोड़ी सी मेस वाली फीलिंग भी आ रही होगी, लेकिन यकीन मान के चलिए मेस भी आपको करना रहेगी, लगभग 30 नंबर की मेस है आपके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग तो ऐसे मेस के रूप में लगाना रहेगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना एफर्ट पूरा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आ भी जाएगा, कोई चिंता वाली बात है नहीं है। अब दूसरी बारी आती एफसी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अब एक बात आप समझिए, मेस अगर आपने पढ़ी हो, और एक बेसिक चीज होगी कि जब थोड़ा सा इधर उधर घूमने की बात आती, ठीक है, थोड़ा सा अगर फॉर्मूले चेंज किए जाते हैं, और अगर मैं एफसी को इधर लेके आऊंगा, ठीक है, अगर इस एफसी को मैं इधर लेकर आऊंगा, फॉर्मूले में चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एफसी किसके बराबर होगा, आप सोचिए, थोड़ा सा खुद सोचिए, एफसी किसके बराबर होगा, अगर मैं मार्केट प्राइस में से क्या करूं, इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसे घटा दूं। बात आ रही है आपको समझ में, मार्केट प्राइस जो अगर उसमें से टैक्स घटा लूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, जो सब्सिडी है उसको जोड़ लूंगा, क्योंकि शासन इसमें क्या करेगा, छूट थोड़ी देगा। शासन ने जो छूट दी है वो एक्चुअल में एमपी के लिए देता है, एफसी के लिए छूट नहीं देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसको उदाहरण से फिर समझिए कि मान लेते हैं कि क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है, और एक्चुअल में बाजार मूल्य क्या है, यहाँ पर 130 रुपए। इस बाजार मूल्य में से क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुल मिला के ये मान के चलिए आपकी, ठीक है, ये मान के चलिए कि 20 रुपए का क्या है, टैक्स जो है वो क्या करेंगे हम, घटा देंगे। क्या करेंगे, 20 रुपए का टैक्स घटा देंगे। तो कुल मिला के अब ये कितने के बराबर हो गया, 110 रुपए के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर टैक्स ज्यादा ले लेता हूँ, 40 रुपए ले लेता हूँ। 40 रुपए का लिया तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 90 रुपए इसकी मार्केट प्राइस हो गई। लेकिन सरकार ने जो सब्सिडी दी वो अब थोड़ी मिलेगी, तो 10 रुपए की सब्सिडी दी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस ये फॉर्मूले आप थोड़े से क्या करें अपने दिमाग में ध्यान रखें कि एमपी बराबर क्या होता है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है, सब्सिडी घट जाती है, और एफसी बराबर क्या होता है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घट जाता है और सब्सिडी जुड़ जाती है। फाइनल, यहां तक चीज क्लियर हो गई आपको, और ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्योंकि होगा क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं, वहां पर 3 मार्क में सीधे और सटीक पूछे जाएंगे। यकीन मानिए ये सीधे ही पूछे जाएंगे आपसे कि एमपी या एफसी बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम डीप में पढ़ रहे हैं। और एक और फॉर्मूला होता है कि एमपी बराबर एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घट जाती है तो फाइनल वो क्या हो जाता है, कुल अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। यहां तक आया आपको समझ में, क्लियर है, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, आराम से समझिए। अब यहाँ पर जो सेकेंड वाला था ना, इसका काम हमें पढ़ने वाला है। अब हमारी जो मंजिल थी उस मंजिल तक हम क्या कर रहे हैं, फाइनली अब पहुंचने वाले हैं। अब समझते हैं एक्चुअल में कि वास्तविक राष्ट्रीय आय है क्या। तो इस लाइन को पढ़िए कि साधन लागत पर आकलित निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसे हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं, NNPFC बराबर NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। पीछे अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि एफसी किसके बराबर होता है, एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें क्या करें आप, सब्सिडी को जोड़ दें। स्वाभाविक सी बात है, तो ये सारा जब निकलेगा फाइनली, और इसको हम क्या करेंगे, एनएनपी के थ्रू लेके आ जाएंगे। एनएनपी तो आपको पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें से जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। और अगर इसे फैक्टर कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस, टैक्स, सब्सिडी सब कुछ जोड़ जुड़ा के अगर हम कर लेते हैं, फाइनली हमारे सामने क्या निकल कर आता है, राष्ट्रीय आय निकल कर आता है,
और यही वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, एनएनपीएफसी, या तो एनएनपी लिख दीजिए, अगर एफसी या एमपी से लेकर कंफ्यूजन हो तो एनएनपीएफसी क्या होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर मन में कोई शंका और ना समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, अपने नोट्स बकायदे प्रिपेयर करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरी एक बात मेरी तरफ से कि सीखने की अगर ललक होगी तो आसानी समझ में आ जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही एफर्ट लगाऊं और आप सिर्फ कान खुले रख के सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी अपनी भी ललक रखिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है राष्ट्रीय आय की गणना या मापने की विधि। कुल मिला के भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो कैसे मापी जाती है। आपके मन में डाउट तो आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि हम जीडीपी की बात करें, जीएनपी की बात करें, एनएनपी की बात करें, जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो इसे मापते कैसे और कौन मापता है। अब मापता तो सीएसओ है, लेकिन इसकी डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तो हम देखेंगे कि धरातल या जो आपका स्वाभाविक सी निचला ग्राउंड होता है वहां पर कैसे मापा जाता है। तो इन महोदय का नाम याद रखिएगा, साइमन कुंजनेट्स, और इनको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने कुल तीन विधियां बताई है, कौन कौन सी, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। कितनी विधियां बताई इन्होंने, तीन विधियां, उत्पाद, आय और व्यय। अब इन्हें हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना संभव है कि राष्ट्रीय आय मापन की विधियों का वर्णन कीजिए, तो वहां पर आपका इसको वर्णन जरूर करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके हम इसे अब समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है उत्पाद विधि। देखिए उत्पाद विधि में ये आपके लिए है डेफिनेशन, तो मैं चाहूंगा आप इसका ले ले स्क्रीन शॉट। इसमें जो बातें लिखी हुई है मैं इसको एक सरल रूप में समझाता हूँ आपके सामने, वो ये ठीक है। पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन पढ़ दूं, उसके बाद एक्चुअल में ये बात कहना क्या चाहती है, क्योंकि एक इकोनॉमिक डेफिनेशन है और आपको एग्जाम में वैसे लिखना रहेगी, तो पहले इसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद फाइनली समझाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। उत्पाद विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत आकलन किया जाता है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योग ने अलग अलग क्या योगदान दिया है। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और इसके योग को बाजार मूल्य आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है और इसी से एफसी ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये तो गया आपके ऊपर से, अब समझिए मैं जो समझाता हूँ फिर समझ में आ जाए। कुल मिला के भारत में ठीक है एक साल के भीतर जो भी वस्तुएं पैदा होती है, क्या होती हैं, उत्पादित होती हो सारी वस्तुएं, उनका वहीं पर मूल्य, मान लेते हैं वो गाड़ी बनी थी ना, मैंने आपको बताया था कि जो कुल मिला के कोई गाड़ी बनी है, कोई मशीन बनी है, कोई भी उत्पाद हुआ हो, कोई भी सेवा का हो, ठीक है, उस उत्पाद का वहीं पर अगर हम पैसा काउंट कर लें ना, मान लिया कि गाड़ी बनी 8 लाख रुपए की, तो उसके हमने क्या कर लिया, उत्पाद का पैसा जोड़ लिया। इसके अलावा जहां पर कपड़ा बन रहा है, जो भी सारी वस्तुएं बन रही, कहीं तो जरूर बनती होगी, उत्पादित जरूर होती होगी, तो उनका हम क्या कर लेते हैं, वहीं से जहां से उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और एक अनुमानित उन सब के ऊपर टैक्स मान लिया जाता है ना। बिना टैक्स के काम होगा नहीं, आय बहुत नीची हो जाएगी। तो क्या होता है कुल मिलाकर कि जो भी वस्तुएं साल भर में देश भर में उत्पादित हुई है उन सभी को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और हालांकि जो जीडीपी वाली डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इसकी है कि किसी भी वस्तु एवं सेवाएं जो साल भर के अंतर्गत उत्पादित हुई हो उनका अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, और उत्पाद विधि ही जीडीपी के बराबर है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस इसमें आप इतना ध्यान रखें और ज्यादा डीप में मत जाए, ठीक है, अगर आप ज्यादा डीप में जाएंगे तो घूमने लग जाएंगे, इसलिए उसी लेवल तक बने रहिए जहां तक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक ये चीज काम आ पाए। ओके, तो उत्पाद विधि में बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी वस्तु उत्पादित हो रही हो, किसी भी उद्योग ने जो भी उत्पादित किया हो, और उसमें सेवा तो उत्पाद करने क्या बात है, उसमें तो नॉर्मल ही चीज है, बस वस्तुओं को आप समझिए कि जो भी वस्तु उत्पादित हुई इसको मूल्य को सबको इकट्ठा जोड़ लिया जाए साल भर में, तो वो किसके तहत आता है, उत्पाद विधि के तहत। चलिए आशा करता हूँ उत्पाद विधि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आय विधि। देखिए दूसरा तरीका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अब हमने उत्पाद का ठीक है देखा, लेकिन दूसरा तरीका ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है ना या कोई भी उद्योग है ना, दो ही चीजें, कोई भी व्यक्ति कोई भी उद्योग
कितना पैसा कमा रहे हैं, कुल मिला के साल भर में उनके पास कितनी इनकम है। आप भी अगर कोई जॉब करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है साल भर की क्या होती है, इनकम तो जरूर होती है ना। आप जब आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या बनाया होगा तो उसमें आप लिखते हैं कि हाँ सालाना आय 50,000 रुपए है, तो कुल मिला के ये आपकी क्या है, एक नेट इनकम है जो आप साल भर कमा रहे हैं। वैसे ही हर एक व्यक्ति का तो अपना होता है, लेकिन कुछ उद्योग भी होते हैं जो साल भर में क्या करते होंगे, जितना भी पैसा जनरेट करते होंगे, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं और कुछ और भी चीजें जोड़ी जाती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ये वही चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद कारकों की भुगतान के आधार पर किया जाता है। आगे बात समझ में आपको कि कोई भी चीज अगर बेची जा रही है और उससे जो आय आ रही है वो, और दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों और व्यवसाय उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। अब मान लेते हैं हमारी जो इनकम हुई वो हम तो काउंट कर लेंगे कि 10,000 रुपए या 20,000 रुपए सालाना आ रहे, लेकिन किसी उद्योग का पैसा हम कैसे काउंट करें? उसने कोई मशीन खरीदी बेची होगी, वहां पर श्रमिक काम कर रहे होंगे, उसको कैसे काउंट करेंगे? तो देखिए, इस आय विधि के 4 कारक होते हैं, ठीक है। अगर किसी की फिक्स इनकम है ना, कि अगर वो 10,000 रुपए क्या कर रहा है, महीना कमा रहा है, ओके, तो हमें क्या करना है, 10,000 में 12 का गुणा करेंगे, 1,20,000 साल की इनकम, बात खत्म। लेकिन जब बात आती है छोटी छोटी चीजों की, वहां पर कैसे करेंगे, तो चीज याद रखिए, आदमी दो ही तरह से पैसा कमा सकता है, एक तो नौकरी और दूसरा बिजनेस, है ना, ठीक है, नौकरी और बिजनेस। आप कोई भी कैटेगरी ले, वो दोनों में से एक ही चीज में आएगी। तो पहली बात होती है, हम बात करेंगे अब उद्यम की, कि उद्यम में से इनकम सोर्स को वो कैसे काउंट करेंगे। तो कुल मिला के किसी भी उद्यम को शुरू करने वाला कोई तो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। दूसरा, उसने अपना बिजनेस लगाया होगा, कहीं तो रह रहा होगा, बिना जमीन के तो कोई रहेगा नहीं, तो कहीं पर तो कोई भूमि होगी, तो वो भूमि। तीसरा है यहाँ पर श्रमिक, अगर उसका बड़ा बिजनेस है तो उसके नीचे अंडर में कुछ कर्मचारी जरूर काम कर रहे होंगे। और चौथी बात क्या, यहाँ पर पूंजी, मतलब उसके पास कुछ तो पैसा आया होगा जो लगा आ रहा होगा, फिर आ रहा होगा। तो कुल मिला के मान लेते मुकेश अंबानी, तो वो साल भर में जो पैसा कमा रहे हैं उनकी नेट इनकम वो डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, ये तो सीधा हो गया। इसके अलावा इस बात को समझे, मान लेते हैं कि सरकार उन्हें भूमि देती है या कोई भी व्यक्ति उन्हें भूमि देता है, कोई किसी को लीज पर भूमि दे रहा है, तो उस भूमि का जो किराया है वो क्या कर लिया जाएगा, एड कर लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपने भूमि बेची, ठीक है, और उससे जो आपको आय आई है उसको भी क्या कर लेंगे, हम एड कर लेंगे। तो भूमि पर होगा ऐसे ही ना, कोई भी उद्योग चला रहे हैं, या तो लीज पे होगी या खरीद ली जाएगी। लीज पे होगी तो साल भर में जो किराया प्राप्त हो रहा है उसे ऐड कर लो आप, और इसके अलावा अगर बेच दी तो सीधा ऐड कर लो, ये बढ़िया तरीका। तीसरा होता है श्रमिक, तो किसी भी उद्योग में श्रमिक तो काम कर रहे होंगे, तो उन श्रमिकों के पास में कितना पैसा आया, कितनी उनकी इनकम है, उस इनकम को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं सीधा सा, उनसे काउंट कर लेते हैं, ये एक तरीका। चौथा है पूंजी, तो स्वाभाविक सी बात है जो पूंजी बनी होगी, है ना, पूंजी में मतलब ये कि आपकी जो मशीन है, आपने चाहे जो भी चीजें ली हैं उसकी कुछ घिसावट हो, या साल भर में उसमें कितना पैसा आ जाए। अक्सर पूंजी में जमीन को ही काउंट किया जाता है, इसके अलावा पूंजी से क्या होता है, प्लस पैसा बनता है ना। तो आय कारक में 4 चीजें आ रही हैं कुल मिला के, कि जहां से भी आय आए, ये 4 कारक तो आपको लिखने रहेंगे जब आप आंसर राइटिंग करें। लेकिन इस बात को समझिए आप कि कुल मिला के जहां से भी आय आए, आपको पैसा आए, वो सारा किस में आ जाएगा, आय कारक में आ जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है, कि अगर मान लेते हैं आपकी कोई दुकान है, ठीक है, अगर इस दुकान, मतलब आपकी जो दुकान है वो आपने आपके घर के अंदर ही लगाई है, आपके घर के अंदर आपने दुकान लगा दी, इस दुकान पर क्या कर रहे हैं, आप खुद ही बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इस आय वाले में क्या होता है, आपका जो घर, आपने जो दुकान लगाई, इस दुकान के किराए को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि अगर आप दुकान किसी और को देते तो वहां से तो इनकम आती, तो एक तरीके से इस आय में इस दुकान का किराया ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद में अगर आप खुद बैठ रहे हैं, यही अगर आप किसी दूसरे के वहां बैठते, वो आपको 10,000 रुपए देता, तो एक अनुमानित क्या करेंगे, इसका भी पैसा ऐड कर लिया जाएगा। इसके अलावा दुकान में जो सामान पड़ा है उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। थोड़ा सा ये क्रिटिकल भी लगेगा, कुछ चीजें कंफ्यूज होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा डीप में मत जाइए, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक समझिए, और कुल मिलाकर पिछले पेज पे जो डेफिनेशन है वो, और उसके बाद में जो प्रमुख कारक हैं, इसको आप समझिए, ये सारे किस में आएंगे, आपके आय विधि में। कुल मिला के जहां से भी पैसा आए वो सारा किस में, आय विधि में। यही सबसे बढ़िया तरीका है आय विधि को ज्ञात करने का।
उसके बाद में बढ़ते हम तीसरा व्यय विधि। अब देखिए आय विधि में तो पैसा आ रहा है, अब जहां जहां से आपके पास में पैसा आया है ना, मान लीजिए आप एक व्यक्ति थे है ना, आपके पास में जहां जहां से पैसा आया ये जोड़ लिया। अब दूसरा तरीका होता है कि इस आदमी के पास पैसा है खर्च तो करेगा, स्वाभाविक सी बात है अगर इसके पास पैसा है खर्च तो करेगा, तो ये बढ़िया तरीका होता है कि जहां खर्च कर रहा है उसको काउंट कर लो। कुल मिला के व्यय विधि कुछ नहीं है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है, यहाँ पर पैसा आ रहा उसको जोड़ लिया, यहाँ पर दूसरी बात है जहाँ पैसा खर्च हो रहा उसको जोड़ लो। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जहां पर भी खर्च करता है ना, इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हम यहाँ पर पहले, कि इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या बचत पर होती है। आदमी अपने पैसे का दो ही तो प्रयोग कर सकता है, या तो भविष्य के लिए बचा के रख ले है ना, बैंक में कहीं पर भी सोना खरीद कर, या दूसरा कुछ भी चीज लेकर आ जाए। तो इसके तहत व्यय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कुल उपभोग व्यय प्लस कुल बचत। लेकिन आदमी व्यय अब किस किस प्रकार से कर सकता है, बचत तो हमें समझ में आता है लेकिन वो व्यय किस किस प्रकार से करता है इसको समझिए। व्यय में भी चार प्रकार से व्यय कर सकता है। पहला है निजी उपभोग व्यय। क्या है पहला? निजी उपभोग व्यय, यानी कि पर्सनल चीज खरीदने में, मोबाइल लेकर आ गए, कार लेकर आ गए, कुर्सी लेकर आ गए है ना, बहुत सारी चीजें जहां पर वो पर्सनली खर्च कर रहा है, वहां पर सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उस व्यक्ति ने जहां जहां खर्च किया वो काउंट कर ले। अब वो काउंट कैसे होता है, वो तो सीएसओ के हाथ में, वो अपनी व्यक्तिगत गणना कर लेता है। आप अभी ये मत सोचिएगा कि कौन किसके घर जाता, हमसे तो कोई पूछने नहीं आता, ये सब छोड़ दीजिए ना। एक्चुअल में राष्ट्रीय आय अनुमानित ही आधार पर होती है, कुछ के सर्वेक्षण पे पूरी काउंट हो जाती है। लेकिन फिर भी जब इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर में समझे, या छोटे देश जो होते हैं वहां पर यह होता है कि व्यक्तिगत रूप से गणना की जा सकती। तो कोई भी निजी उपभोग व्यय जितने हैं, जहां जहां व्यय किया उसको क्या कर ले, काउंट कर ले। दूसरा है निवेश। कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं निवेश तो जरूर करता है ना, एक तो बचत करता है, दूसरा कोई व्यक्ति क्या करे, एक ट्रैक्टर लेके आ जाए ताकि उस ट्रैक्टर में निवेश कर दे, वह उसके बाद जो जुताई बुवाई करता रहा उससे पैसा आता रहे है ना। कोई फैक्ट्री खोल ले, कोई दूध डेयरी की दुकान खोल ले, कोई भी बिजनेस खोल ले, वहां पर क्या कर रहा है, वो निवेश कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि उसने ट्रैक्टर लिया 20 लाख रुपए का, ठीक है। अब 20 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया, सीधा 20 लाख रुपए को ऐड कर लो, कोई यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं इस ट्रैक्टर से वो साल भर कितना कमा रहा है, 20 लाख रुपए को ऐड कर लिया। ये तरीका होता है जहां जहां निवेश किया वहां का पैसा ले लिया। तीसरा है सरकारी निवेश। सरकार कहाँ निवेश करती है, तो सरकार बहुत सी बार पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है, ये तो है ही सही। उसके अलावा सरकार रोड बना रही है, ठीक है, इसके अलावा सरकार जो पुलिया बना रही है, या सरकार भी अपने फैक्ट्री लगाती है, सरकार की अपनी टेलीकॉम कंपनी जैसे बिजनेस है, BSNL है। तो इसमें क्या होता है कुल मिलाकर कि सरकार जहां पर भी निवेश कर, सरकार भी तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता होगा बहुत सारे देशों में निवेश करती है। आज मैं ONGC की बात करूँ तो दुनिया भर में इसका नाम चलता है। आज ONGC कंपनी वियतनाम से तेल निकाल रही है, जो आपका रूस से तेल निकाल रही है, तो इसमें निवेश कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। सरकार ने ONGC में साल भर में मान लिया 1000 करोड़ रुपए दिया, तो कि 1000 करोड़ रुपए को सीधा क्या कर लिया, सीधा ऐड कर लिया। तो जहां पर निवेश में क्या है, जहां निवेश किया व्यय किया सीधा ऐड कर लो। और निर्यात में तो सिंपल सी बात है, अगर हमने फॉर एग्जांपल है ना, अब 20 टन गेहूं निर्यात किया, इस 20 टन से हमें 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या करना है, सीधा से 20 लाख रुपए को ऐड कर लो। कुल मिलाकर व्यय विधि में क्या है, मैंने वही फिर से कहा है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। एक तरफ जहां से आ रहा था आय का वो पैसा देख लो, अब उसके बाद में, ठीक है, यहां से इस व्यक्ति के बाद में दूसरी तरफ जा रहा है वहां पर काउंट कर। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि वास्तविकता में ना कुल मिला के इसमें से कौन सी वाली विधि बिल्कुल सही है ना। ये दिमाग में सवाल तो जरूर आएगा आप सभी के कि इन सब में से कौन सी विधि बिल्कुल सही है, क्या उत्पाद विधि बिल्कुल सही है, क्या आय विधि बिल्कुल सही है, या व्यय विधि, इसमें से इजी कौन पढ़ती है, टफ कौन पढ़ती है। तो इन सभी को जानेंगे हम अगले लेक्चर में। मुझे जहां तक लगता है कि लेक्चर लंबा भी हुआ होगा, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे दिमाग में घूमने वाली चीजें भी होगी, तो जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक पिछले इस वीडियो के सारे फंडे अगर क्लियर हो जाते हैं आपको, तो चीजें क्या होगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आय गणना के बारे में हम देखना पड़ेगा कि भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी गणना CSO NSSO करता है, किस प्रकार से करता है, और इसके अलावा तीनों वर्गों में जो वर्ग हैं उसमें GDP का कितना योगदान है। एक लेक्चर और बनेगा और हमारा ये जो पूरा चैप्टर था राष्ट्रीय आय की गणना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
चले साथियों, तो वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और भी जो डाउट्स हो आपके तो वो मुझे आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्लियर कर लेंगे। वर्तमान में यहाँ पर वीडियो यहीं समाप्त होता है, कल मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।